हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरी वन। टूडे वी स्टार्टिंग द वेरी न्यू टॉपिक फॉर द मार्केटिंग दैट इज ऑल अबाउट द प्रमोशनल मिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वट इज ऑल अबाउट द प्रमोशनल मिक्स, प्रमोशनल मिक्स क्या होता है एंड वट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रमोशंस। जैसे कि हमने आपको बताया था कि 4 P जब मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशंस, तो अगेन ऑल दीज 4 P प्लेज अ वेरी की रोल टू गेट इट सम सर्टेन सक्सेस इन द मार्केट। तो कहीं ना कहीं जितना प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटर्स के लिए, लाइक इन अ प्राइस लाइक इन अ प्लेस, तो इन अ सेम मैनर प्रेजेंट सिनेरियो प्रमोशनल प्लेज अ वेरी की रोल। बिकॉज जितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट हो, इफ यू आर गेटिंग अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और लो क्वालिटी प्रोडक्ट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी प्रमोट अवर प्रोडक्ट्स। तो वी हैव द डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रमोशंस करना पड़ेगा। तो व्हाट इज प्रमोशंस? एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू इन्फॉर्म, परसुएड और रिमाइंड पीपल अबाउट इट्स प्रोडक्ट। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई भी ऐसा फॉर्म जिससे हम लोग कम्युनिकेशन, बिजनेस या कम्युनिकेशन करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रमोशंस। आपने देखा होगा कि वी हैव टू बी प्रोड्यूसर, वी हैव टू बी प्रमोट अवर प्रोडक्ट्स व्हाइल गिविंग सम सर्टेन ऑफर, सर्टेन डिस्काउंट, सर्टेन गिविंग सम वैल्यू एडिशनल सर्विसेज टू अवर कस्टमर्स। गेटिंग अ पॉइंट? तो व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रमोशंस? तो प्रमोशंस इज एनी फॉर्म ऑफ ए बिजनेस कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू इन्फॉर्म। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम लोग कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, वेन एवर वी जस्ट वॉन्ट टू बी लॉन्च इन न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, वॉट वी हैव टू डू, कहीं ना कहीं वी हैव टू बी इन्फॉर्म, वी हैव टू बी क्रिएट द प्रोडक्ट अवेयरनेस इन द मार्केट। तो कस्टमर को परसुएट करने की बात करेंगे, रिमाइंड करने की बात करेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको प्रमोशंस यूज करना पड़ता। तो अब देखिए एडवर्टाइज जो हमने एक स्लाइड इसमें अपलोड किया है, तो स्लाइड्स ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग की वट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट, सोल्ड प्रमोशन चेंजमेंट द प्रॉपर्टीज। तो आपने देखे कि ऐसे कई सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो प्रोडक्ट्स प्रमोशंस करने की भी हाँ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, उनके थ्रू कहीं ना कहीं प्रमोशंस करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रमोशंस, वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रमोशनल टेक्निक्स। कुछ लोग एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, कुछ लोग पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं, कुछ लोग पर्सनल सेलिंग की बात करेंगे। तो वी हैव द डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रमोट अवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। होता क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज, वी हैव टू बी चूज द कौन सी प्रमोशन टेक्निक्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे। टू टाइप्स ऑफ द प्रमोशंस वी हैव, फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट प्रमोशंस। इन अ प्रोडक्ट प्रमोशंस टाइप द प्रमोशन दैट अ बिजनेस यूजेस टू कन्विंस पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम देम एंड नॉट देयर कॉम्पिटिटर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट प्रमोशंस की बात करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशंस में वी आर मोर कंसर्न अबाउट टू इंक्रीज द सेल ऑफ अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम लोग अपने कस्टमर के प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करके कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। सपोज दैट आई एम जस्ट सेलिंग एनी प्रोडक्ट, एक्स वाई जेड कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बी टारगेट अवर पोटेंशियल कस्टमर्स टू सेल अवर प्रोडक्ट टू द दोज कस्टमर्स एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट प्रमोशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल प्रमोशंस क्या होता है। टाइप ऑफ प्रमोशंस दैट अ बिजनेस यूजेस टू क्रिएट द फेवरेबल इमेज फॉर इटसेल्फ। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, बीइंग इन अ मार्केटर, व्हाटएवर द एडवर्टीजमेंट वी आर डूइंग, तो देयर आर टू मेन मोटो बिहाइंड द एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी मार्केटर्स।
दो मुद्दों की वजह से हम लोग कोई एडवर्टीजमेंट या कोई प्रमोशंस करते हैं। एक तो होता है सेल को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, एक फेवरेबल इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रमोशंस वी हैव, वी हैव द कॉमनली टू टाइप्स ऑफ प्रमोशंस, प्रोडक्ट प्रमोशंस की बात करेंगे और इंस्टीट्यूशनल प्रमोशंस की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट प्रमोशंस में टाइप ऑफ प्रमोशन दैट ए बिजनेस यूजेस टू कन्विंस पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम देम एंड नॉट देयर कॉम्पिटिटर्स। सिंपल, बहुत सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अपने कस्टमर से एक एडवांटेज लेना चाहते हैं, बिजनेस वॉन्ट टू बी गेन द मोर मार्केट शेयर एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स एंड बिजनेस वॉन्ट टू बी गेन मोर प्रॉफिट। मैं अगर इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन की हम लोग बात करेंगे तो टाइप ऑफ प्रमोशन दैट द बिजनेस यूजेस टू क्रिएट ए फेवरेबल इमेज फॉर इटसेल्फ। ठीक है, कभी कभी हम लोग ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए, फेवरेबल इमेज क्रिएट करने के लिए भी हम लोग इंस्टीट्यूशनल प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फोर बेसिक टाइप ऑफ प्रमोशन कौन है, पर्सनल सेलिंग भी हैव, एडवर्टाइजिंग भी हैव, सेल्स प्रमोशन एंड लास्ट पब्लिक रिलेशन। सो दीज आर द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ द प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग के थ्रू कैसे करते भी आपको बताएंगे, हाउ वी आर प्रमोटिंग अवर ब्रांड फॉर सर्टेन एडवर्टाइजिंग्स, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो हम लोग एक एक करके मतलब बात करेंगे। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रमोशन, सबसे जो ज्यादा जिससे मास पब्लिक को हम लोग टारगेट करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द पर्सनल सेलिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इन अ पर्सनल सेलिंग दिस टाइप ऑफ द प्रमोशन रिक्वायर द कॉन्टेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर। तो वन टू वन सेलिंग की हम लोग बात कर रहे हैं कि बीइंग इन अ मार्केटर्स एंड टारगेटिंग टू सर्टेन कस्टमर्स एंड then kya pooch rahe hain, where the customer don't have any other option, they have to be buy that product but their price is slightly higher. Yes, theek hai, so getting a point, so what is all about the promotions, so personal selling we have, so the personal selling mein log kya karte hain ki isme ki being a marketer what we have to do ki potential customer ko target karke हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रमोशंस। ठीक है, क्लियर, विद डाउट। नेक्स्ट हो गया एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग में एनी पेड और नॉन पेड दोनों होता है, एनी पेड और नॉन पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशंस एंड प्रमोशंस ऑफ आइडियाज, प्रमोशंस ऑफ गुड्स, प्रमोशंस ऑफ सर्विसेस by an identified sponsor, means all those companies who just want to be promote their brand, what they have to do, they have to make some certain advertisement. Got it? समझ गया? तो advertising हम लोगों को पता, it can be paid form, it can be unpaid form, it is totally for the mass publication. मतलब अगर आपको एक टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट आ रहा है, टूथपेस्ट का आ रहा है, या बच्चों के कपड़ों का आ रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर जेंडर के या पर्टिकुलर एज ग्रुप का आ रहा है, तो लेकिन सभी लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज जस्ट टूल्स ऑफ प्रमोशन विच इज बेसिकली वर्किंग फॉर टू टारगेट द मास पॉपुलेशन। हम लोग को एक टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ता है, कुछ करते हैं। तो एनी पेड एंड नॉन पेड फॉर्म ऑफ द नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन आर द प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड। ये नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, अगर आपने एडवर्टीजमेंट कहीं पर लगाया है तो उसमें सभी लोग देख रहे हैं, यू आर नॉट टारगेटिंग सम सर्टेन कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल्स प्रमोशंस की। तो सेल्स प्रमोशंस में हम लोग बात करेंगे कि ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज अदर देन द पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉल्ड सेल्स प्रमोशंस। सेल्स प्रमोशन की बात करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि सेल्स प्रमोशन में वी जस्ट वांट टू बी इंक्रीज अवर सेल्स। पर्सनल सेलिंग में यू माइट वांट टू बी क्रिएट सम सर्टेन ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट और व्हाट वी कैन डू। और अभी एडवर्टाइजिंग में टोटली पेड एंड नॉन पेड दोनों होता है, टारगेट पॉपुलेशन अभी डिसाइड नहीं होती। भाई सेल्स प्रमोशन की हम बात करेंगे, इन अ सेल्स प्रमोशन योर मेन मोटो बिहाइंड द सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। दूसरा कहीं ना कहीं होता है, इसमें हम लोग वी हैव टू बी गिव सम सर्टेन ऑफर्स एंड डिस्काउंट की हम लोग बात करते हैं कि 40% ऑफ हो गया, 20% ऑफ हो गया, 90% ऑफ हो गया। तो व्हाइल यूजिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द सेल्स प्रमोशंस एज ए प्रमोशनल ऑफर, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी प्रोवाइड सम सर्टेन ऑफर, सर्टेन डिस्काउंट टू अवर पोटेंशियल कस्टमर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पब्लिक रिलेशंस की। ठीक है, तो पब्लिक रिलेशंस में एनी एक्टिविटीज
designs to create a favorable image towards the business, its product or its policies. तो पब्लिक रिलेशंस में कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग अबाउट योर ब्रांड. पर सेल्स प्रमोशन में वाइल गिविंग सम सर्टेन वैल्यू एडिशन, सर्टेन ऑफर्स टू योर कस्टमर्स, यू जस्ट वांट टू बी इंक्रीज द सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट. बट वाइल टॉकिंग अबाउट द व्हाट वी कॉल इट्स बिजनेस, इट्स प्रोडक्ट और इट्स पॉलिसीज. तो पब्लिक रिलेशन इज ऑल अबाउट द टोटली अनपेड होता है, पैसा आपका नहीं, आपको पैसा खत्म करना है, ठीक है, बट देर इज नो रेवेन्यू जनरेशन, जो बात नहीं करते. योर मेन मोटो बिहाइंड द पब्लिक रिलेशन टू बिल्ड अप द वेरी गुड पब्लिक रिलेशन इज टू क्रिएट द वेरी फेवरेबल इमेज इन द मार्केट. अगर आजकल की हम बात करेंगे कि व्हाई द मोस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक दे आर मोर रिलाइंग ऑन द टाटा, तो कहने के हम लोग टाटा से साइकोलॉजिकली जुड़े हुए हैं. टाटा की बात करिए, विप्रो का बात करिए, आईपीएफ का बात करिए, तो दीज आर सम सर्टेन ब्रांड्स इन इंडिया. कस्टमर्स आर कंटिन्यूसली रिलाइंग ऑन दीज कंपनी सिंस लास्ट 100 years. वी हैव सम सर्टेन ब्रांड इमेज, वी हैव सम सर्टेन मोर ट्रस्ट ऑन दीज कंपनीज. तो एक इमेज, एक क्लियर इमेज बना हुआ है उनके दिमाग में. द प्रोडक्ट इज बिलोंग्स टू टाटा, इट विल बी द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बिकॉज टाटा इज उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के लिए वो लोग काम करते हैं. तो वही पब्लिक रिलेशन में वी आर मोर कंसर्न अबाउट टू क्रिएट द ब्रांड, क्रिएट द वेरी फेवरेबल इमेज ऑफ योर बिजनेसेस इन द मार्केट. नेक्स्ट हो गया पब्लिसिटी. ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ द पब्लिक रिलेशन दैट इन्वॉल्व्स placing the positive and newsworthy information about a business, its product or policies in the media is called publicity. आपने देखा होगा कई बार being in a marketer they have to do some certain publicity stunt. तो publicity is ये public relations में आप image create करना चाह रहे हैं, but publicity में कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुत एक shorter tenure में, बहुत कम समय में, you just want to be put it on. You just want to be put it on some certain good impression on the societies, on the your customers. हम लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई पब्लिसिटी स्टंट करके किसी को हायर कर लिया, ब्रांड इंडोर्सी कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड इंडोर्सी बना कर दिया, कुछ और ऐसी कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, जिससे कहने के बहुत कम समय में यू बिकेम द ब्रांड एंड योर प्रोडक्ट बिकम द पब्लिश अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंडिया, वेर एवर योर टारगेट मार्केट इज लिविंग देयर. So it's a very special point of the public relations that involves placing the positive and newsworthy information about the business, its product or its policy in the media is called publicity. ठीक है? Publicity का advantage क्या? It's totally free. होता है कि publicity हो गया free free में. It's totally free. Disadvantage होता है, its content cannot be controlled by the business. तो तय है कि अगर पब्लिसिटी हो गई, अब पब्लिसिटी किस तरीके से हो रही है आपकी, उसका कोई भी कंट्रोल बिजनेस पे नहीं होता है. इट माइट क्रिएट समटाइम्स नेगेटिव इम्पैक्ट आल्सो. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अब दीपिका पादुकोण वाला भी केस हुआ है उसमें, कि जितने भी सेलिब्रिटीज सब बॉलीवुड के, हम एग्जाम्पल्स लेंगे, तो उनके चक्कर में क्या, जिनके ब्रांड्स थे जिन्होंने इंडोर्स करके रखा था इन्होंने, तो उन ब्रांड्स को भी कहना कि पब्लिसिटी मिल गया कि दीज मेनी ब्रांड्स हैज बीन एंडोर्स्ड बाय द दीज मेनी सेलिब्रिटीज. तो कहना कि अब जो उसमें कंटेंट जो हो रहा है, उसमें जो एक मैसेज जा रहा है कि दीज मेनी ब्रांड्स आर पब्लिश बाय द एंडोर्सेस बाय द दीज मेनी सेलिब्रिटीज. तो कभी कभार तो जिनको कहना कि इन सेलिब्रिटीज के ज्वेलर्स है, सेलिब्रिटीज को डिसलाइक करते हैं, तो इट माइट इम्पैक्ट ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स. इसलिए जो कंटेंट होता है पब्लिसिटी का, विच इज टोटली अनकंट्रोलेबल, बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ये पब्लिसिटी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है. ठीक है, फिर आया प्रिंसिपल्स फंक्शन ऑफ पब्लिसिटी. स्पेशल बेनिफिट मेक योर एप्लीकेशंस मोर रिलैक्सिंग एंड मैक्सिमाइजेबल, भाई उसमें एक है बिल्डिंग एन इमेज. इसमें हमने आपको एक दिखाया इसमें एग्जाम्पल के तहत कि प्रिंसिपल पब्लिसिटी का मेन मुद्दा क्या होता है, मेन फंक्शंस क्या होता है. वी जस्ट वांट टू बी क्रिएट सम सर्टेन इमेज, हम लोग एक इमेज बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक है. व्हाट दे डू, एडवर्टाइजिंग, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट. पब्लिक रिलेशंस इज ऑल अबाउट टू क्रिएट ए फेवरेबल इमेज फॉर द बिजनेस इटसेल्फ.
और एक एक लाइन में चारों चीजें डिफाइन किया. एडवर्टाइजिंग में को पता है वी ऑलवेज जस्ट वांट टू बी क्रिएट सम सर्टेन अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. इट्स ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग. पब्लिक रिलेशंस में हम लोग इमेज क्रिएट करना चाहते हैं. सेल्स प्रमोशन इज ऑल अबाउट टू एफोर्ड द स्टिमुलेट द सेल्स. मतलब सेल्स प्रमोशन एक ऐसा टूल है जो पूरा बेसिकली सेल्स को प्रमोट करने के लिए होता है. पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं तो बिल्ड अप ऑन ऑल द अदर एफर्ट बाय द हेल्पिंग कस्टमर्स कंप्लीट द सेल. पर्सनल मतलब आप एडवर्टाइजिंग किया, पीआर किया, सेल्स प्रमोशन किया, उसके बाद फाइनली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना है ना. प्रोडक्ट कस्टमर खरीदना है, बीइंग इन मार्केट वी हैव टू बी सेल अवर प्रोडक्ट. तो पर्सनल सेलिंग के तहत हम लोग हेल्प करते हैं कस्टमर को. कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर को पता है कौन है तो उसको हेल्प करते हैं कहाँ पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं. ठीक है, असिस्ट करना पड़ता है. फिर आया मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो इसमें इस्टेब्लिश प्रमोशनल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है, टू इस्टेब्लिश प्रमोशनल बजट. हमको एक बजट जो है हर कंपनी का एक बहुत बड़ा बजट. आजकल का हम लोग को पता है कि इफ़ यू आर गेटिंग सम सर्टेन सक्सेस टू रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, और कस्टमर की आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग ठीक से कर लिया, प्रमोशनल ठीक से कर लिया, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि दे गॉट दीज मेनी कंपनीज गॉट सम सर्टेन सक्सेस इन देयर लाइफ. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, जो हम लोग प्रमोशनल डिसीजन की बात करते हैं, प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं, पहले सबसे पहले काम होता है टू इस्टेब्लिश ए प्रमोशन बजट. एक बार बजट डिसाइड करेंगे उसके बाद ही हम लोग प्लान करेंगे कि अगर 100 रुपये तो 100 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग पे कितना खत्म करना है, ब्रांड एंडोर्सी पे कितना करना है, प्रिंट पे कितना खत्म करना है, स्पॉन्सर करके कितना अपनी ब्रांड क्रिएट करना है. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इन अ वेरी फर्स्ट जो हम लोग का स्टेप होता है टू इस्टेब्लिश ए प्रमोशनल बजट. यूज आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा इफ यू हैव द 100 रुपीज बजट और 1000 रुपीज और 1 लाख रुपीज. फर्स्ट वी हैव टू बी डिसाइड. Then allocating the resources, so whatever the budget, whatever the resources we have, then हम लोग क्या करेंगे, वही उन resources को हम लोग अलग अलग जगह पर allocate करेंगे. Then coordinating the campaigning, हम लोग campaigning को जो भी campaigning आपको एक print media पे print में करना है, आपको online में करना है, digital में करना है, electronics में करना है, कौन से channel पे करना है, कौन से channel पे नहीं करना है, Facebook पे चलाना, we have the n number of the सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो किस पर आपको कितना पैसा खत्म करना है, कितने दिन के लिए करना है. तो वट एवर द कैंपेनिंग वी जस्ट वॉन्ट टू बी रन इन द मार्केट, वी हैव टू बी कोऑर्डिनेट विद दोज कैंपेनिंग्स. फिर वो डिटरमाइनिंग द राइट्स प्रमोशनल मिक्स फॉर द कंपनी. ठीक है, तो इसमें फिर हम लोग राइट्स क्या है प्रमोशनल मिक्स फॉर द कंपनी, फिर हम लोग एक अधिकार की बात करेंगे, कंपनी के कौन कौन से राइट्स हैं जब हम लोग कुछ भी प्रमोशंस कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का. तो वट एवर द आउटकम्स विल बी कम, वो पहले सबको पता होगा, बट कौन से प्रमोशन पे कितना राइट्स है और किस हद तक ये वो प्रमोशंस करना है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का. ठीक है, पुश एंड पुल पॉलिसी की बात करते हैं कि प्रमोशन स्ट्रेटजी से प्रोडक्ट को पुश कैसे करेंगे या पुल कैसे करेंगे. इसको हम लोग पुश और पुल स्ट्रेटजी भी कहते हैं. बहुत बार पेपर में आया कि पुश स्ट्रेटजी क्या होता है या पुल स्ट्रेटजी क्या होता है. तो प्रमोशन पॉलिसी यूज्ड ओनली विद द नेक्स्ट पार्टनर इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. मैन्युफैक्चरर पुश द प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर फॉर सेल. तो मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि देयर आर एन नंबर ऑफ द पर्संस इन्वॉल्व इन अ सप्लाई चेन, सप्लायर, then manufacturer, then wholesaler, then distributor we have, then retailer, then customer. Supplier manufacturer को push कर रहा है, manufacturer distributor को push कर रहा है, distributor wholesaler को, wholesaler retailer को. The push policy is all about कि you have being a manufacturer, being a marketer, we have to produce some certain products. आपने product का production किया, उसके बाद आप retailer को push कर रहे हैं कि sale increase करने के लिए. आप कैसे increase करेंगे, अब उसको ऑफर्स दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, क्योंकि रिटेलर एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा. आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरर, इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो मैन्युफैक्चरर, व्हाट मैन्युफैक्चरर विल डू, मैन्युफैक्चरर विल पुश आउट द प्रोडक्ट टू द रिटेलर फॉर द सेल. हम लोग पुल पॉलिसीज की बात करते हैं. प्रमोशन पॉलिसी डिजाइन टू क्रिएट द कंज्यूमर इंटरेस्ट व्हेन अ प्रोडक्ट इज कंज्यूमर ड्राइवन और पुल्ड इनटू द स्टोर. तो एक होता है पुश स्ट्रेटजी, होता है पुल स्ट्रेटजी. पुल स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप इसको इतना कैची एडवर्टाइजिंग करना है कि योर कस्टमर डायरेक्टली विल कम आउट टू योर प्लेस. कस्टमर आपने इतनी कैची एडवर्टाइजिंग करता है, इतना कैची प्रोडक्ट बना दिया, मतलब लोगों की आंखों में मतलब एक बार देख रहा तो दे आर मोर क्रेजी अबाउट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. वो जानना चाहते हैं, दे आर मोर कंसर्न अबाउट टू गेट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो पुल पॉलिसीज में आपने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है कंज्यूमर के अंदर. कंज्यूमर्स विल टारगेट टू योर रिप्रेजेंटेटिव्स,
उसको हम लोग बोलते हैं पुल स्ट्रेटजी। जब मैन्युफैक्चरर पुश कर रहा है कि चाहिए कस्टमर को प्रोडक्ट बेच के आइए, तो अगर कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे प्रमोशनल ऑफर नहीं कर पाएंगे, कुछ आप वैल्यू एडिशन नहीं दे पाएंगे, तो आपको प्रोडक्ट पुश करना पड़ेगा। पुश होता है कस्टमर को बेचना, पुल होता है कस्टमर को अपनी तरफ खींचना, पुश एंड पुल स्ट्रेटजी। तो मैंने कहा प्रोडक्ट इज कंज्यूमर ड्राइवर, कंज्यूमर उसको चाहता है लेने, कंज्यूमर ड्राइवर प्रोडक्ट होगा तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर को अपनी तरफ खरीद लेंगे, कस्टमर को अपनी तरफ खींच लेंगे, पुल कर लेंगे। So this is all about the promotional offer. Promotional mix we have discussed about. So we have discussed about the what is all about the promotional mix, what we have, and what are the those techniques in the promotional mix. Starting from the what is all about the personal selling, क्या होता है, public relations क्या होता है, ठीक है, advertising क्या है, sales promotions क्या है. उसके बाद we have discussed about the these many topic in detail. And after this that we had concerned about the कि कैसे हम लोग करते हैं कि promotional offer के promotional mix क्यों करते हैं, advertising क्यों करते हैं, personal selling क्यों करते हैं. Then we able now उनको पता है कि what are the differentiate among all these four techniques of the promotions. उसके बाद उन्होंने बात किया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, कि हाउ द मार्केटिंग डिमांड डिपार्टमेंट प्लेज ए की रोल टू गेट इट सम सर्टेन सक्सेस फॉर द प्रमोशंस, वो बात किया। उसके बाद उन्होंने बात किया कि पुश स्ट्रेटजी क्या होती है और पुल स्ट्रेटजी क्या होती है। तो सिट आउट, अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं, रिटेलर से बोल रहे हैं प्रोडक्ट बेचो, पुल में आप इतना कंज्यूमर ड्राइवर प्रोडक्ट आपने बना लिया है, इंटरेस्ट क्रिएट करवा दिया आपने प्रमोशनल ऑफर से या प्रोडक्ट की क्वालिटी से, कि कस्टमर्स आर डायरेक्टली अप्रोचिंग, डायरेक्टली कमिंग इन ऑन योर स्टोर, आपके स्टोर में आकर आ रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट टू बी गेट सम सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, इज कॉल्ड पुल पॉलिसी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट्स ऑलमोस्ट ओनली 30 मिनट्स, सो लेकिन वो का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ओनली देयर आर ओनली वेरी फ्यू टॉपिक इज बीइंग लेफ्ट फ्रॉम द मार्केटिंग, तो कुछ टॉपिक्स रहते हैं, अदरवाइज हम लोग का मार्केटिंग का भी पूरा यूनिट कंप्लीट होने वाला है। तो वी हैव डिस्कस द मार्केटिंग क्या होता है, हमने बता दिया आपको, मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी हैव डिस्कस कर, मार्केटिंग सेगमेंटेशन की बात हो गया, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग उन्होंने बात कर लिया, और उसके बाद आज सेल्स प्रमोशन की बात हो गई, कंज्यूमर बिहेवियर का हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक रहते हैं, स्टिल देर आर 3-4 टॉपिक्स इज बीइंग लैप्ड। तो वी विल मीट यू विद टुमारो।